हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फ्री एसईओ टूल्स। आज मैं डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा कि फ्री एसईओ टूल्स क्या है या फिर प्रीमियम एसईओ टूल्स कौन कौन से हैं और उसमें फ्री वर्जन में आप क्या क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत अच्छा टॉपिक्स है फ्री एसईओ टूल्स, फ्री में क्या क्या मिलेगा। तो यहाँ पर मैं बताऊंगा कि फ्री एसईओ टूल्स में सबसे पहले सेमरश के बारे में, जो कि अक्सर मैं यूज़ करता हूँ सेमरश, अपने डोमेन को लेकर देखता हूँ। और इसके अलावा और दूसरे बहुत सारे फ्री एसईओ टूल्स अवेलेबल हैं। तो सेमरश जो है वो पेड और काफ़ी कॉस्टली टूल है, जिसमें आप कंपटीटर का डेटा या अपना डेटा या आपका किस पोजीशन पर रैंक करते हैं वो देखते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम गवाए हम चलते हैं हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन की ओर। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नीचे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। एंड वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, चलिए हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन की ओर और यहाँ पर हम दिखाएंगे कि सेमरश के फ्री वर्जन में आप क्या क्या कर सकते हैं। दोस्तों, ये है सेमरश की वेबसाइट और इस पर हम देखेंगे कि किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं सेमरश को खुद के एसईओ के लिए और ट्रैक कर सकते हैं कि हमारा कौन सा कीवर्ड किस पोजीशन पर है और कौन सी साइट से हमें बैकलिंक मिल रहे हैं। और सिमिलर दैट, ये सारी चीज़ें हम ट्रेस कर सकते हैं हमारे कंपटीटर के डोमेन पर भी। दोस्तों, ये कीवर्ड डिफ़िकल्टीज भी बताता है, बट प्रीमियम वर्जन में बताएगा, फ्री वर्जन में कीवर्ड्स इस पर रिसर्च नहीं होगी। बट हम ओवरऑल डोमेन का जो ऑन पेज एसईओ है वो सब सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो जल्दी से मैं टाइप करता हूँ मेरे डोमेन का नाम और ये देखिए बॉक्स में मैंने डोमेन किया। इसके साइट में दिया हुआ है इन्होंने कंट्री को मैं ले लेता हूँ इंडिया, और अगर आपका कंट्री कोई और है तो आप उस कंट्री को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और इस पर कर दीजिए स्टार्ट नाउ पे क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये मैसेज देगा क्रिएट योर अकाउंट्स। अगर आपका अकाउंट्स नहीं है तो आप यहाँ पर ईमेल आईडी डाल के अकाउंट बना लीजिए, और अगर ऑलरेडी है तो आप उस अकाउंट से लॉगिन कर लीजिए। सो मेरा ऑलरेडी अकाउंट है बट मुझे सेम प्रोसेस पे जाना है, वो ऑटोमेटिकली मुझे मेरे यूआरएल पर ले जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे सेमरश को किस तरह से यूज़ करते हैं और फ्री में आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं और कैसे आप बेनिफिट उठा सकते हैं और कैसे बैकलिंक्स कितने हैं या यूआरएल कितने क्रॉल हुए हैं, वो सब सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाएगा। पेड वर्जन भी मैंने इसका यूज़ किया है, पेड एंड फ्री में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ लिमिटेशंस है। तो आप इनिशियल स्टेज पे अगर आप बिगनर हैं लर्नर हैं तो आप फ्री वाला वर्जन यूज़ कर सकते हैं। तो मैं वहाँ पर आपको यही दिखाऊंगा कि फ्री में आप इसको कैसे यूज़ करें और इसमें क्या क्या रहता है। देखिए, सबसे पहले आप लेफ्ट में ये देख रहे होंगे ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक। सो मेरी साइट पर कितना ट्रैफिक है वो यहाँ पर एस्टिमेट दिखा रहा है, ये सेमरश का रैंक है और ये कीवर्ड्स कितने क्रॉल हुए हैं गूगल में और ट्रैफिक का कॉस्ट क्या है। ये पेड सर्च का इंफॉर्मेशन बताएगा यहाँ पर, पेड कितना ट्रैफिक है और ये टोटल बैकलिंक्स कितने कितने डोमेन से आ रहे हैं, कितने आईपी से आ रहे हैं। यहाँ पर ये देखेंगे तो यहाँ पर ये ट्रैफिक स्कोर दिखाता है जो कि काफ़ी कम है, और उसके बाद यहाँ पर दिखाता है कीवर्ड्स बाय कंट्री, कौन सी कंट्री में कितने कीवर्ड्स रैंक हो रहे हैं। रैंक हो रहे हैं मीन्स वो फर्स्ट पेज पर भी हो सकते हैं, सेकेंड थर्ड फोर्थ किसी भी पोजिशन पर, बट इतने कीवर्ड्स पर आपका यूआरएल आ रहा है। सो ये टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड्स 623 में से 5 यहाँ पर दिखा रहा है, इसको हम वीव मोर करेंगे तो 5 और दिखा देगा। तो ये 10 कीवर्ड यहाँ पर दिखाता है और ये आपको दिखाता है यहाँ पर कितने ऑर्गेनिक पोजीशन पर है आपके, 1-3 पोजीशन पर 5 कीवर्ड है मेरे और 4-10 पर 50 हैं और फिर 11-20 यानी सेकंड पेज पर जो है 119 है, इस तरह से यहाँ पर ये आपको दिखाता है। उसके नीचे और जाएंगे तो आपको कुछ कंपटीटर जो हमारे वेबसाइट से रिलेटेड रहते हैं वो कंपटीटर ये ऑटोमेटिकली फाइंड कर लेता है कीवर्ड बेसिस पे, वो भी आपको यहाँ पर दिखाएगा। और इसके नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिखाएगा बैकलिंक्स, कौन से डोमेन से आपको बैकलिंक्स मिल रहा है और कितने फॉलो बैकलिंक्स हैं, कितने नो फॉलो बैकलिंक्स हैं, वो भी आप यहाँ पर फ्री में चेक कर सकते हैं। और बैकलिंक के टाइप क्या है, टेक्स्ट है, फ्रेम है, फॉर्म लिंक्स है और इमेज लिंक। सो ये बैकलिंक्स के टाइप भी दिखा दिए, बैकलिंक्स भी दिखा दिए। बैकलिंक्स भी यहाँ पर जब हम कंपटीटर का चेक करेंगे तो वो 5 ही दिखाएगा, वी फुल रिपोर्ट करेंगे तो 5 और दिखा देगा, यानी 10 बैकलिंक्स आप एक कंपटीटर के देख सकते हैं। तो ये जो बैकलिंक का टाइप है ये भी देखिए, नो फॉलो नो फॉलो नो फॉलो, सारे नो फॉलो बैकलिंक्स मुझे मिले हुए हैं। और टॉप एंकर भी आपको दिखा देगा और रेफरिंग डोमेन भी दिखा देगा, टॉप रेफरिंग डोमेन कौन से हैं, इंडेक्स पेज कौन से हैं वो भी आपको शॉर्ट लिस्ट।
तो ये पूरे ओवरऑल डैशबोर्ड में आपको सब थोड़ा थोड़ा सारी चीज़ें दिखा देता है। फ्री वर्जन में आप इनिशियल स्टेज पे ये इतना इनफ है। अभी हम चलते हैं कि अब कंपटीटर का कैसे हम इसको एनालाइज करें। तो सबसे पहले कंपटीटर का मैं फर्स्ट वाले पे क्लिक करता हूँ कि इसको किस तरह से कंपटीटर का डेटा मैं यूज़ कर सकता हूँ, या कौन से कंपटीटर का डोम कीवर्ड्स कौन से पोजीशन पर है, कहाँ से उसको बैकलिंक मिल रहा है, कैसे मैं चेक करूँ। तो देखिए मैंने ये advicaweb.com पर क्लिक किया है और इनका बैकलिंक्स दिखा रहा है, इनका ऑर्गेनिक ट्रैफिक दिखा रहा है, और कीवर्ड्स इंडिया में कितने हैं, उनका ट्रेंड क्या चल रहा है वो भी यहाँ पर दिखा रहा है। और अभी आ जाते हैं, देखिए इनका एक कीवर्ड्स है ब्राउज़र नेम, ये आप गूगल पे सर्च करेंगे तो इनका सेकंड पोजीशन पे है जिसका 11,300 वॉल्यूम है और 5% इनको ट्रैफिक इससे मिल रहा है। नेम एनी टू वेब ब्राउजर, इस कीवर्ड को अगर कोई सर्च करता है तो 1 फर्स्ट पोजीशन पर है, इसका 320 वॉल्यूम है। और इस तरह से मेन ऑर्गेनिक कंपटीटर इनके कौन है, देखिए मेरा नाम वापस से इधर आ गया कि मैं वापस से इनका कंपटीटर हूँ, तो ये रिवर्स ऑर्डर हो गया है। और इनके कितने फॉलो लिंक हैं, कितने नो फॉलो लिंक है वो भी दिखा रहा है। अब देखिए यहाँ से हमें ये मिलता है कि किस तरह से हम बैक लिंक्स कॉपी करें। तो देखिए दोस्तों ये फॉलो लिंक्स है, ये नो फॉलो है, ये नो फॉलो है, ये फॉलो लिंक्स है, आप इस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं तो वहाँ पर किस तरह से उन्होंने लिंक्स बनाया है, और सिमिलर वे में आप भी लिंक्स बना सकते हैं। सो ये एक वेबसाइट है और आई थिंक ये वेबसाइट इन्होंने डिज़ाइन की है, आप नीचे देख सकते हैं, और यहाँ पर इन्होंने बैक लिंक दिया है तो आपके चांसेस यहाँ पर लिंक बनाने के बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको किसी और बैक लिंक बनाने की उसमें जाना रहेगा। तो हम चेक कर लेते हैं फुल रिपोर्ट, फुल रिपोर्ट्स में कैसे हम कंपटीटर के बैकलिंक्स को गेन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर फुल रिपोर्ट दी हुई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉफ्ट क्लोज से इनको एक बैकलिंक मिला है, bookmarkforyou.com से एक बैकलिंक मिला है जो कि नो फॉलो है, टेक्स्ट बैकलिंक है। देखिए यहाँ पर इंडिकेशन भी दे रहा है नो फॉलो जो है वो रेड कलर में मार्क किया हुआ है, और ये वाला बैकलिंक जो है ये इनकी ही साइट डिज़ाइन की हुई है इन्होंने, इसलिए इस पर आप बैकलिंक्स नहीं बना सकते। सो कोई भी इसमें डू फॉलो बैकलिंक्स ऐसा नहीं दिख रहा है, सारे के सारे बैकलिंक्स हैं, ये बैकलिंक्स में भी हो सकता है यहाँ पर हमें बैकलिंक्स मिल जाए। जॉब ऑन द पोस्ट, ये भी साइट इन्होंने बन डिज़ाइन की है इसलिए ये यहाँ पर बैकलिंक्स दिखा रहा है। और इसको आप रिवर्स ऑर्डर भी कर सकते हैं, लाइक ठीक है रिवर्स ऑर्डर से नहीं, मैं फॉलो लिंक पे क्लिक कर देता हूँ, देखता हूँ ये फिल्टर इसमें कितना काम कर रहा है कि मुझे सारे फॉलो लिंक्स दिखा दे। सो फॉलो लिंक्स में इन्होंने सेम रिपीट किया हुआ है इमेजेस के साथ। सो इस साइट को हम ओपन करके देख लेते हैं, मुझे ये साइट लिंक यहाँ पर ओपन करके देखना है और मैं यहाँ से बैक कर लेता हूँ ताकि मुझे वापस से सारे बैकलिंक्स पता चल जाए। ये साइट ओपन नहीं हो रहा है तो इसको हम दे छोड़ देते हैं। तो इस तरह से आपको एक बैकलिंक्स मिल जाते हैं कि कहाँ से बैकलिंक्स मिल रहे हैं आपके कंपटीटर को, और वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ सेमरश में जो आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं, वो है ऑन पेज एसईओ का ऑडिट। सो आपको जाना रहेगा यहाँ पर प्रोजेक्ट में, लेफ्ट साइड मेनू पर प्रोजेक्ट में आप देखेंगे तो आप गो टू प्रोजेक्ट लिस्ट, मेरा वेबसाइट ऑलरेडी मैंने ऐड किया हुआ है, अगर आपका ऐड नहीं है तो आपको जस्ट आपका डोमेन नेम डालना है और आप उसको एज ए प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं। प्रोजेक्ट में ऐड करेंगे तो प्रोजेक्ट का डैशबोर्ड आएगा, वहां पर आपका दिखाएगा कि क्या प्रॉब्लम्स आपकी वेबसाइट में अगर कुछ है तो उसका आप ऑडिट कर सकते हैं। साइट ऑडिट देखिए यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन आ जाता है साइट ऑडिट का, और पोजीशन ट्रैक भी आप चेक कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, 5 कीवर्ड्स का आप पोजीशन यहाँ पर डाल के रख दीजिए और उस पोजीशन को आप ट्रैक कर सकते हैं इजीली। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ साइट ऑडिट में, जो 5 डेज एगो ऑटोमेटिकली होता है एवरी मंथ, आप ये टूल फ्री में यूज़ कर सकते हैं अपनी साइट का ऑडिट कराने के लिए। लिमिटेशंस हैं बट बहुत कुछ आपको फ्री में भी मिलेगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर मुझे दिखा रहा है 22 एरर्स अभी भी मेरी साइट पे हैं, 315 वार्निंग्स हैं और 50 नोटिस हैं जो कि इंक्रीमेंट होता रहता है, कभी कभी इंक्रीमेंट होता है। साइट का हेल्थ दिखा रहा है हेल्थी है, ब्रोकन हैवी इशू।
सब तरीके की ये इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, 4 पेज हैव द डुप्लीकेट कंटेंट। सो ये सब सारी रिपोर्ट्स आपको फ्री वर्जन में अवेलेबल हो जाती है, आपको पेड टूल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए ब्रोकन लिंक्स भी है, मेरा जीरो है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अभी हम चलते हैं एरर की तरफ, एरर के और डीप में क्या आप जाएंगे तो आपको एरर दिखेगा। देखिए 9 इश्यूज में बताया है इसने कि विद डुप्लीकेट टाइटल टैग, इस पर आप और क्लिक करिए तो इसके नीचे का इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। देखिए मेरा ये QRL है जिसपे लिनक्स वेब होस्टिंग, लिनक्स वेब होस्टिंग इंडिया, ये टाइटल है, किस पेज पर है, आप इस एरो पर क्लिक करेंगे तो ये पेज पर, 2 पेज पर आपको डुप्लीकेट टाइटल सेमरश ने डिटेक्ट किया है। और इसके आगे शॉपिंग कार्ट है, उसमें भी आपको दिखाएगा ये 3 पेज पर सेम शॉपिंग कार्ट के अंदर डुप्लीकेट कंटेंट। तो ये इश्यू जो है मेरी साइट का, ये एक WHMCS है, ये सॉल्व नहीं हो सकता है, तो इसीलिए इसको मैंने छोड़ा हुआ है। और इसके अलावा जो भी आपको वार्निंग्स हैं, आप देखिए ऊपर से भी देख सकते हैं, वार्निंग्स भी नोटिस कर सकते हैं, इश्यू विद अनकैच जावा स्क्रिप्ट CSS फाइल, ये इशू है, 81 पेज हैज़ लो टेक्स्ट रेशो। सो इस तरह से आप सारे आपके एरर्स एंड वार्निंग्स यहाँ पे फ्री वर्जन में देख सकते हैं और उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। नोटिसेस में आप देख सकते हैं कि क्या नोटिस है, ये इन्होंने कुछ न्यू लॉन्च किया है, 23 पेजेस टेकन मोर देन 1 सेकेंड टू बिकम इंटरेक्टिव, नी साइट्स की 23 पेजेस जो है वो स्लो है, एवरेज डॉक्यूमेंट इंटरेक्टिव टाइम जो है 4.5 सेकेंड, 3.98, 6.87। सो ये यहाँ पर टाइम भी इन्होंने डिटेक्ट किया है कि साइट कितने, कौन से पेज कितने स्पीड से ओपन हो रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको और दिखा देता हूँ डैशबोर्ड में, वापस से आप देखेंगे लेफ्ट साइड मेनू में पोजीशन ट्रैकिंग भी है, आप पोजीशन ट्रैकिंग पे क्लिक करते हैं तो आपको आपका पोजीशन जो आपने कीवर्ड डाले हुए हैं वो कीवर्ड्स डेली बेसिस पे कौन से पोजीशन पर मूव हो रहा है, अप हो रहा है या डाउन हो रहा है, तो वो भी यहाँ पर आपको ये सेमरश फ्री वर्जन में आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ कीवर्ड्स डाले हुए हैं, चीप डोमेन रजिस्ट्रेशन मुंबई, और ये दूसरा है चीप डोमेन रजिस्ट्रेशन इंडिया, इसका पोजीशन 10th नंबर पर है, तो ये 1 अप हुआ है। और उसके नीचे देखेंगे वेब होस्टिंग कंपनी मुंबई जो 3 पॉइंट डाउन हुआ है, जो पहले 10 पे था अभी 13 पर आ गया है, वेब होस्टिंग मुंबई जो पहले 13 पे था अभी वो 16 पर हो गया है, ईमेल होस्टिंग सर्विसेज जो पहले 20 पहले 30 पे था बट वो 3 पोजीशन अप हुआ है। सो इस तरह से आप आपके कंपटीटर सेट कर सकते हैं, आपके कीवर्ड सेट कर सकते हैं उसकी रैंकिंग को ट्रैक करने के लिए। और भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं इस पे, आप देखेंगे ये ओवरव्यू है, रैंकिंग डिस्ट्रीब्यूशन, रैंकिंग पेज, कंप्यूटर डिस्कवरी, डिवाइस लोकेशन, फ्यूचर स्प्लिट, सो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर फ्री में मिल जाती हैं। आपको लिमिटेशंस रहेंगे थोड़े बहुत, बट आप फ्री में भी बहुत कुछ काम कर सकते हैं। उसके नीचे आपका ऑन पेज SEO चेकर ऑप्शन है, आप साइड बार में देखेंगे ये आपके पूरे पेज, पूरी साइट के पेज चेक कर लेता है, ऑन पेज में कोई इशू है या डिफिकल्टीज है वो आपको एक्सप्लेन कर देता है, बता देता है, हिंट्स दे देता है ताकि आप उसको सिलेक्ट सही कर सकें। तो देखिए ऑन पेज SEO में इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं, वो आपको यूज़ करना है, फ्री वर्जन है, आप यूज़ करेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए जिस तरह से इन्होंने ये 6 आइडियाज़ दे रहे हैं, ये मेरा एक पेज है वेब डिज़ाइन, उसमें मुझे 6 आइडियाज़ दे रहे हैं, दूसरा URL है SEO सर्विसेज मुंबई, इसमें 4 आइडियाज़ दे रहे हैं, थर्ड जो है जीमेल फॉर बिजनेस, इसमें मुझे 7 आइडियाज़ दे रहे हैं। तो ये आइडियाज़ क्या है, ये आइडियाज़ इनके रिकमेंडेशन है, इसको भी देखते हैं कि किस तरह से ये रिकमेंड कर रहे हैं। ये ऑन पेज SEO का है, इससे अच्छा टूल शायद ही आपको कहीं और मिलेगा फ्री में। सो ये यहाँ पर दे रहे हैं यूज टारगेटेड कीवर्ड इन H1 टैग वेब डिज़ाइन कंपनी, सो ये मुझे एक हिंट्स मिल रहा है कि मुझे H1 टैग यूज़ नहीं किया है, यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है यू आर योर H1 टैग डज नॉट कंटेन एनी ऑफ योर टारगेटेड कीवर्ड, ट्राई टू एड एटलीस्ट वन ऑफ देम टू योर H1 टैग। और ये कीवर्ड्स भी उन्होंने मुझे यहाँ पर सजेस्ट किया है कि H1 टैग में मैं इस कीवर्ड को टारगेट करूँ। सेकेंड उन्होंने दिया है यूज टारगेटेड कीवर्ड इन मेटा डिस्क्रिप्ट मेटा टैग, वो मेटा डिस्क्रिप्शन ही हो जाता है। उसके अलावा आगे मुझे और ये सजेस्ट किया है इनरिच योर पेज कंटेंट, मतलब मेरे पेज के कंटेंट में मुझे ऐसे कीवर्ड्स और ऐड करना है, वो कीवर्ड्स हैं वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी इन मुंबई, मुंबई इंडिया, सो मुझे इस तरह के कीवर्ड्स डालना है।
ये बैकलिंक्स के बारे में कुछ सजेशन दिया है कि आपको यहाँ से बैकलिंक बनाना है, शो ऑल करेंगे तो ये सारे रेफरेंस साइट दिए कि आपको यहाँ से बैकलिंक्स बनाने चाहिए। अगर आप यहाँ से नहीं बनाते तो सिमिलर दूसरी साइट से भी आप बैकलिंक्स बना सकते हैं। सो टेक्निकल इशू ये दे रहा है, मेक योर पेज क्रॉलेबल। द सेमरश क्रॉल कुड नॉट फाइंड दिस पेज, ट्राई टू क्रॉल मोर पेजेस ड्यूरिंग योर नेक्स्ट ऑडिट। और नेक्स्ट स्टेप दे रहा है डिक्रीज बाउंस रेट, कि बाउंस रेट आप डिक्रीज करिए। तो मेरा बाउंस रेट जो इन्होंने सजेस्ट किया है 59.2, मेरा बाउंस रेट है, मुझे इससे भी लो बाउंस रेट करना है। तो दोस्तों ये सब सारी इंफॉर्मेशन आपको फ्री एसईओ टूल्स के थ्रू यहाँ पर मिल जाती है। और यहाँ पर इसके बाद और भी बहुत सारे हैं, सोशल मीडिया है, बैकलिंक ऑडिट है, लिंक बिल्डिंग है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक है। तो जो भी आप यूज़ करेंगे वो यहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैंने ऑर्गेनिक ट्रैफिक का भी आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये प्रेजेंट कर रहा है। तो ये यूआरएल हो जाता है, फर्स्ट कीवर्ड हो जाता है, ये सेमरश का कीवर्ड्स है, ये गूगल का कीवर्ड्स है, और ये कितने यूजर्स आते हैं, कितने सेशंस के लिए आते हैं। तो ये सब सारा एनालिटिक्स जो आप गूगल एनालिटिक्स में देखते हैं वो आपको यहाँ पर भी मिल जाता है। तो दोस्तों आप इसको यूज़ करिए, मेरा रिकमेंडेशंस है। अगर आप ब्लॉगर्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग करते हैं और आपको कोई भी टूल्स नहीं पता है तो आप ये वाला टूल्स डेफिनेटली यूज़ करिए। फ्री में बहुत कुछ सारी चीज़ें हैं जिससे आप एटलीस्ट अपने ट्रैफिक को डबल ट्रिपल कर सकते हैं बिना किसी पेड टूल को यूज़ किए हुए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जल्दी से एक लाइक बटन प्रेस कर दीजिए और शेयर करिए, और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।